हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ घर पे आप लोग सेफ होंगे। सिम्बा देखिए कैसे एक ग्रेट डेन डॉग है, उसके साथ खेल रहा है। दोस्तों, आज हमने एक वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि हम आपको जानकारी दे सकें कि जैसे कि डॉग मेरा 25 मार्च को हमारा सिम्बा 1 साल का हो गया है, और अभी ये इतना ज़्यादा हमने सोशलाइज्ड किया ऐसे कि ये कभी किसी डॉग पे लड़ाई नहीं करता। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं इसको घुमाने ले जाता हूँ तो स्ट्रीट डॉग इसको मारने लगते हैं और ये अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। तो दोस्तों, ये हमारे बगल में ही एक भैया हैं जिनके पास ग्रेट डेन डॉग है, तो वही डॉग हम लोग ने अब डिसाइड किया है कि 1 साल के, जब ये भी ग्रेट डेन जो है वो भी 1 साल का हो गया, ये भी 1 साल का हो गया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको एक खुद का प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा ये लड़ाई करना सीख जाए। इसलिए हम लोग एक डॉग मैंने इस तरह का ग्रेट डेन लेके आए हैं हम सिम्बा को खेलने के लिए। अब क्या है कि ये घर में आप लोग डॉग रखते हैं तो ये कभी लड़ना नहीं सीख पाते बेचारे, क्योंकि इनको आइडिया ही नहीं रहता कि हमें अपना प्रोटेक्शन कैसे करना है। और ये अपना प्रोटेक्शन करना तभी सीख सकते हैं जब इनके पास कोई खेलने के लिए एक डॉग हो, जैसे कि सिम्बा अब खेल खेल में ही कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए सीख रहा है, और दूसरा डॉग इस पर खेल लड़ नहीं रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ खेल ही रहे हैं, पर इसी खेल खेल में ये इसी तरह ये खेल खेल में एक दूसरे के साथ जब खेल खेल में लड़ाई करना सीखते हैं तो कहीं ना कहीं इनको, जैसे कि जेनेटिकली आप लोग जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो होते हैं वो आर्मी डॉग होते हैं, और ये लड़ाई करना या फिर अपना खुद का प्रोटेक्शन करना या मालिक का प्रोटेक्शन करना सीखते हैं। पर इसके अंदर एक हिचकिचाहट टाइप की है कि जब कोई डॉग आता है इसकी तरफ दौड़ते हुए, जैसे अभी रिसेंटली अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मार्केट साइड लेके गए थे तो 3-4 डॉग इसको मिलकर खूब मारे हैं। उसके साथ ही फिर हम तभी से हम लोग ने प्लान किया कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना ही सिखाएंगे। तो प्रोटेक्शन के लिए इसको एक डॉग चाहिए था कि जो उसके साथ खेले, और खेल खेल में ये जब देखे, जैसे ये अभी सिम्बा ने मतलब उसको पूंछ पकड़ रहा है तो ये अपने बचाव कर रहा है उससे, खेल खेल में अपने हाथ पैर चलाना सीख रहा है। तो कुल मिला के अपन इस तरह कह सकते हैं कि ये अपना जैसे बोलते हैं ना चाकू में धार बनाना, ये उस तरह की है कि सिम्बा थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन करना, और अगर दूसरे डॉग से इमरजेंसी में कभी लड़ाई हो जाए, क्योंकि अपन लोग तो वैसे भी ज़्यादा बाहर निकलने देते नहीं हैं, तो ये कम से कम उस जगह में वो अपना प्रोटेक्शन कर सके, और जब दूसरा डॉग इसको मारे तो उस डॉग से ये अपना बचाव कर सके। और कभी इन द केस कभी घर में आपके कोई चोर वोर आ जाता है तो वो उससे लड़ सके, उसको भगा सके। तो दोस्तों, बेसिकली आप ध्यान दीजिए कि डॉग में इसमें ट्रेनिंग का ये सबसे बड़ा योगदान रहता है कि आप इसको ऐसे नहीं सिखा सकते हैं कि अटैक करो तो वो किसी डॉग को मारने लगेगा, अपना प्रोटेक्शन करने लगेगा, ये केवल भूख सकता है। और जब इसको थोड़ा सा फाइटिंग सिखाना होगा तो अपन इसको एक डॉग तब इसको एक डॉग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास भी अगर कोई GHD डॉग है तो जब वो 1 साल का हो जाए तब उसको एक डॉग उसी के पर्सनालिटी का चाहिए जिसके साथ वो खेले, और खेल खेल में वो थोड़ा बहुत अपना फाइटिंग करना और ख़ुद का प्रोटेक्शन करना सीख ले। तो दोस्तों, आज सिम्बा की यही मानिए कि एक तरीके की ट्रेनिंग है, और इससे अच्छी ट्रेनिंग कोई हो भी नहीं सकती कि अपना सेल्फ डिफेंस सीखे, और जब कोई डॉग इस पर अटैक करे तो ये कम से कम उससे बचे, और उससे मतलब ये जब दूसरे डॉग इन पर अटैक करते हैं तो ये कम फेस इम्प्रेशन भी नहीं दिखा पाता कि कैसे उनको डराया जाए, और ये केवल पूंछ दबा के घर की तरफ भागना की कोशिश करता है, और कई बार तो ऐसा हुआ हम लोग को छोड़ के भाग जाता है। तो इसलिए आपके पास भी अगर डॉग हो तो कोई कोई डॉग तो बचपन से ही अग्रेसिव होते हैं, पर हमारा सिम्बा जो है, मतलब आपका सिम्बा, हमारा सिम्बा जो है वो लड़ाई करना सीखा ही नहीं है। इसलिए हमने क्या किया है कि एक मजाक में ये दूसरे डॉग के साथ जब खेल रहा है तो कम से कम अटैक करना सीखे। अब देखिए, जैसे ये एक डॉग सामने है वो स्ट्रीट डॉग है, तो आप सिम्बा देखिए खुद अटैकिंग मोड में है। ये बहुत अच्छा ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग ही सिम्बा ऐसा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सामने एक डॉग है, तो इन दोनों ही ये ग्रेट डन जो डॉग है ये भी उसी के साथ सीख रहा है,
और वो डॉग अब देखिए इनसे डर रहा है। अब ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि अभी सिम्बा खुद 1 साल का है तो इनको ये सब चीज़ें नहीं आती है, पर देखिए सिम्बा उसको डराने की कोशिश कर रहा है और ये पीछे से ग्रेट डन भी इससे सीख रहा है। और ये देखिए वो भागा और देखिए यही चाहते हैं कि कम से कम कोई घर में डॉग वॉग आए तो वो खुद का सेल्फ डिफेंस और सामने वाले डॉग को डरा सके। तो ये लड़ाई तो नहीं करते हैं, पर अगर वो इसको मारना चाहे और या फिर इसको काटना चाहे तो ये सिम्बा देखिए उसको थोड़ा सा डराया और वापस चला आया। मोटिव तो यही है कि हमारे सिम्बा किसी से लड़ाई नहीं करे, पर हाँ जब इस पर कोई डॉग अटैक करे तो ये अपना सेल्फ डिफेंस सीख जाए। तो वैसे आपके पास भी अगर कोई डॉग हो तो अगर आप सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहते हो तो सबसे अच्छा सेल्फ डिफेंस यही होता है कि उसको एक उसी की कैटेगरी का डॉग दे दिया जाए जिसके साथ वो खेले और खेल खेल में ही वो लड़ाई करना और खुद का प्रोटेक्शन करना सीख लें। आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। और तो बहुत दिन से आपको सिम्बा से मिलवाया भी नहीं था, सिम्बा को अब हम लोग जा रहे हैं घर और सिम्बा भी थक चुका है, पानी वानी पिएगा। ओके थैंक्स, टेक केयर, ध्यान रखिए, घर पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और डॉग को घुमाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए बाहर, मास्क पहन के निकलिए। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।